हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी प्रैक्टिकल. सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टूडेंट. इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल वी विल गोइंग टू स्टडी ऑफ द प्लांट फैमिली नेम विच इज अ सोलानेसी. अब सोलानेसी फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं, दैट इज टोमैटो, पोटैटो, चिलीज एंड बेरीज. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टोमैटो प्लांट. टोमैटो प्लांट विच इज एग्जैक्टली द प्लांट विच इज विच प्रेजेंट इन द सोलानेसी फैमिली. टोमैटो प्लांट जो होता है वो हमें कहाँ पाया जाता है, सोलानेसी फैमिली में पाया जाता है. नाउ व्हाट इज द फंडा ऑफ दिस फैमिलीज. अब हर एक प्लांट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता है. ये कैरेक्टर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि प्लांट शॉर्ट होता है, कभी डॉर्फ होता है, कभी बड़ा होता है, कभी मीडियम साइज का होता है. नाउ दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर. उसका फंक्शन अलग अलग होता है, उसका लीफ स्ट्रक्चर, उसका फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, उसका कलर, कौन से रीजन में पाया जाता है. सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिलीज. नाउ दीज फैमिलीज, अब ये जो सारी फैमिलीज जो है ये अलग अलग फैमिलीज है. जैसे सोलानेसी फैमिली एक फैमिली है ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है. तो इन सब फैमिलीज में ये जो प्लांट्स जो है डिवाइड करके दिए हैं, क्योंकि अगर हम फैमिलीज में प्लांट्स को स्टडी करते हैं सो दिस इज द इजिएस्ट मेथड टू स्टडी द प्लांट इन द फैमिलीज. तो ये इनकी एक फैमिली है जिनमें ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यानी कि सेम कैरेक्टर शो करने वाले प्लांट्स क्या दिखाई देते हैं, वो एक फैमिली में दिखाई देते हैं. जैसे आज हमने कौन से फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे सोलानेसी फैमिली के बारे में. तो सोलानेसी फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं स्टूडेंट्स, टोमैटो, पोटैटो, चिलीज एंड बेरीज. सो दीज आर द फ्रूटिंग पार्ट्स which is coming in the Solanaceae family. Now here in your handbook they have already given symmetry of the flower, sex of the flower and the bracted flower. Now here students, this is the symbol which we are using for the writing the floral formula in the family. ये है shortcuts हम use करते हैं कि flower actinomorphic है कि zygomorphic है, फीमेल है कि मेल है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, इसका कैलेक्स कैसा है, इसका कोरोला कैसा है, इसका पेरियंथ कैसा है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम कैसा है, सुपेरियर ओवरी है कि इन्फेरियर ओवरी है. सो दीज आर द सिंबल्स वी आर यूजिंग फॉर द शॉर्टकट्स. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द होल फैमिली. नाउ क्लासिफिकेशन मतलब कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, फिर इसका सब किंगडम कौन सा है, फिर इसका डिवीजन कौन सा है, क्लास कौन सा है, सब क्लास कौन सा है, ये सारे क्लासिफिकेशन क्या डिसाइड करते हैं, द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन प्लांट. अब हमने आज कौन सा प्लांट लिया है स्टडी करने के लिए, टोमैटो प्लांट. नाउ दिस टोमैटो प्लांट is coming in the Solanaceae family, right? तो Solanaceae family में आने के बाद ये कौन से characters show करता है, ये हम classification से study करेंगे. Now here they have given kingdom. Now kingdom, but obvious it is a plantae, मतलब plants से belong करता है, that's why kingdom plantae है. Okay? Sub kingdom, that is a tracheobionta, vascular plant बोला जाता है जिसको. वेस्क्यूलर प्लांट्स मीन्स वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट्स. ओके, सुपर डिविजन मीन्स जिसको सब डिविजन भी बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा मीन्स स्टूडेंट्स सीड बेयरिंग प्लांट, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द स्पर्मेटोफाइटा. नाउ डिविजन, नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द फैमिली विच इज सोलानेसी. Now in the Solanaceae family there are various plants which is containing. Now here the classification of the family will be kingdom, subkingdom, subdivision, division, class, subclass, order, family, genus and the species, right?
So here we are taking the tomato plant. Plantamens plants, subkingdom that is a tracheobionta, which is the vascular plant, means tomato plant, which is the in the Solanaceae family, commonly vascular bundles are present. Superdivision means subdivision, that is a spermatophyta. So spermatophyta means seed bearing plant. Division Magnoliophyta. Magnoliophyta means students flowering plant. Class Magnoliopsida. Class क्या होता है इसका? Magnoliopsida. That is a dicotyledonous plant. Dicotyledonous and the monocotyledonous. You already know about the dicotyledonous plant and the monocotyledonous plant. Okay. Now the subclass is the Asteridae, order Solanales, family Solanaceae, which is potato, which is also Solanaceae family, which is commonly also known as the potato family. But in the Solanaceae family, there are various different types, which is tomato, potato, chilies, and the berries. Species Solanum lycopersicum. For the tomato, the scientific name of the tomato, which is Solanum lycopersicum. So it is very very important to know the scientific name, student. So the scientific name of the tomato, which is Solanum lycopersicum. Now this is the tomato flower. You can see the petal, sepal, stamen, anther, stigma, pistil, ovary, filament, receptacle. So these are the parts you can understood with the help of this diagram. So this is the yellow color flower. And this is the flower which is colorless. So in this you can easily see the anther pore, stigma, petal, style, ovary, receptal, anther and sepals. Now we'll going to study of the root and the stem of this plant. So the tomato plant, which is containing fibrous root system and tap root system, depending upon how we are planting the planting that plant. Like if we are growing by seeds, so it can be taproot, or if we are growing by grafting, or the grafting method, which is there will be the fibrous root. Agar so the shoot system jo hota hai wo kaisa hota hai, branching stem se bana hua rehta hai students. Now there is a terminal buds at the tip or the apex that is responsible for increasing in the length. तो जो बर्ड्स जो होते हैं, जो टर्मिनल और एपेक्स पार्ट पे होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम. तो वो लेंथ, जो स्टेम का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं. ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द एक्सिलरी एंड द लैटरल बर्ड्स. मतलब एक्सिलरी और लैटरल बर्ड्स से हमको क्या मिलेंगे? ब्रांचेस मिलेंगे. नाउ हियर विद द हेल्प ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द गैमोसेफेलस एंड द गैमोपेटेलस. Now first we'll see the gamocephalus. Gamocephalus means sepals means so calyx. Sepal means calyx. Calyx मतलब जो green color का part दिखता है ना आपको petals के नीचे, that is sepals. अब ये sepals जो होते हैं उनके भी various types होते हैं, gamocephalus and the polycephalus. So you can see the petals are, the sepals are gamocephalus जो होगा वो नीचे के साइड आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, एंड पॉलीसेफेलस जो है वो नीचे के साइड आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसा है. नाउ विल टॉक अबाउट द पॉलीपेटेलस. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी बोथ पॉलीपेटेलस ऑल्सो एंड गैमोसेफेलस ऑल्सो. नाउ हियर यू कैन सी द गैमोसेफेलस. सेपल्स देख सकते हैं आप क्लोज्ड है, और नीचे पॉलीसेफेलस मीन्स जो क्लोज नहीं होते हैं, वो ओपन होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. सो गैमो मीन्स इनक्लोज्ड एंड पॉलीसेफेलस मीन्स जो क्लोज नहीं होते, दोज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जो हमारा फ्लावर जो है, दैट इज द टोमेटो फ्लावर्स, उसके जो सेपल्स जो है, अगर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो द सेपल्स आर पॉलीसेफेलस, राइट. यहाँ पे सेपल्स कैसे हैं? पॉलीसेफेलस से अलग अलग है एक दूसरे से, है ना. Then the gamopetalus and the polypetalus. Gamopetals means जो petals होते हैं पंखुड़िया फूल की, so उसको polypetalus and the gamopetalus बोलते हैं. Polypetalus means एक दूसरे से separate होना, joined नहीं होना. Gamopetalus मतलब एक दूसरे से joined होना. तो ये diagram में आप देख सकते हैं ये कैसे है, poly है कि gamo है. With the help of this you can understand जो पेटल्स जो है वो एक दूसरे से क्या नहीं है, स्टिक नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है. सेपरेट है मीन्स व्हाट? पॉलीपेटेलस. सो टोमेटो प्लांट इज अ पॉलीपेटेलस स्टूडेंट्स. नाउ हियर द इंसर्शन ऑफ द ओवरी.
द ओवरी का भी दो टाइप होता है, एक होता है सुपेरियर ओवरी और दूसरा होता है इन्फेरियर ओवरी। अब आप सुपेरियर ओवरी में देखेंगे, व्हेन द फ्लावर पार्ट्स इंसर्टेड ऑन द रिसेप्टल बिलो और ऑन द सेम लेवल एज द ओवरी। जो ओवरी सुपेरियर ओवरी में जो नीचे वाला पार्ट जो होता है ना, उसके अंदर स्वॉलोइंग होता है, मतलब वो फूला हुआ रहता है, एक 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 शेप के जैसा होता है। तो जो स्वॉलोइंग पार्ट में रहेगा आपको बेरी स्ट्रक्चर, यानी कि सोलानेसी फैमिली में ही सुपेरियर ओवरी जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलता है, क्योंकि बेरी फ्रूट्स जो होते हैं, राइट, जो बेरी फ्रूट्स जो होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, सुपेरियर ओवरी मिलेगा। एंड द इन्फेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो पार्ट है वो सोलोइन नहीं है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट जो है वो सोलोइन है। बाकी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर में और ये स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, बट द टोमेटो प्लांट इज कंटेनिंग सुपेरियर ओवरी ओनली। नाउ हियर द प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन मतलब जब हम इस ओवरी का सेक्शन लेते हैं, राइट, जब हम इस ओवरी का क्या करते हैं, सेक्शन लेते हैं, तब हमको क्या प्लासेंटेशन मिलता है, सो दीज आर द वेरियस प्लासेंटेशन टाइप्स। बट हियर इन द टोमेटो प्लांट, इन द सोलानेसी फैमिली, वी ऑलवेज गेट द एग्जाइल प्लासेंटेशन स्टूडेंट। हमको क्या मिलता है, हमेशा एग्जाइल प्लासेंटेशन मिलता है। सो प्लासेंटेशन ऑफ द ओवरी ऑफ द सोलानेसी प्लांट विच इज द एग्जाइल प्लासेंटेशन। ओके, सो दिस इज अवर गार्डन टोमेटो प्लांट, आपको दिख सकता है। सो दिस इज द फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट एंड दिस इज द टोमेटोज आर देयर। सो दिस इज द एक्चुअल प्लांट वी ग्रोन ऑन अवर गार्डन। सो दिस इज द टोमेटो प्लांट, द एक्चुअल रियल वन टोमेटो प्लांट। सो यू कैन सी द लीफ ऑल्सो, द लीफ ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो, लीफ ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो कंपाउंड। लीफ कैसे दिख रहे हैं आपको, कंपाउंड लीफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, कंपाउंड लीव्स मीन एक ही ब्रांच में, एक ही स्टेम के ऊपर आपको एक दो तीन तीन लीव्स मिलेंगे। ओके, तो लीफ ऑफ द टोमेटो प्लांट फ्रॉम द सोलानेसी फैमिली विच इज कंपाउंड लीव्स। तो इसके लीव्स हमेशा कैसे मिलेंगे, कंपाउंड लीव्स। और टोमेटो प्लांट इज द बेरी फ्रूट, इसको क्या बोला जाता है, बेरी फ्रूट बोला जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, बेरी के शेप के जैसा होता है। सो ऑल द बेरी फ्रूट्स एंड द पोटैटो चिलीज विच इज कमिंग इन द सोलानेसी फैमिली।